het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laan. बाजी राइडर्स और नियांश वॉरियर्स के बीच में उस मैच में भी टारगेट वही था 78 रनों का। बाबाजी राइडर्स ने पहले बैटिंग की, 77 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा सफलता के साथ किया नियांश वॉरियर्स ने। एक तरफ विरल, चाकी, केतन, उमंग, विपुल जैसे खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ जहाँ तक नियांश वॉरियर्स का सवाल है, आशीष, भावेश, पिनेश, निखिल, कैप्टन निमेश, हितेश, नितेश जैसे खिलाड़ी है, तो बहुत ही बढ़िया संघर्ष हो सकता है गेंद और बल्ले के बीच में। फाइनल मैच शुरू होने से पहले हम नेशनल एंथम को सलामी देंगे और उसके बाद खेल की शुरुआत होगी। तो दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है, अपनी टीमों को लेकर मंच की तरफ आना है और लाइनअप कर ले। मैदान में स्टैंड्स में जितने भी दर्शक हैं सभी से निवेदन है, आपको अपनी जगह पर खड़े रहना है
क्योंकि यहाँ पर अब राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। सभी दर्शकों से निवेदन है, सभी मेहमानों से, खिलाड़ियों से कि अपने अपनी जगहों पर खड़े रहे। जो दर्शक बैठे हुए हैं प्लीज अपनी जगहों पर खड़े रहना है। हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है और राष्ट्रगान यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जो कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है प्लीज खड़े रहना है आपको। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। और अब फाइनल मैच की शुरुआत हो जाएगी नियांश वॉरियर्स और जाखवीर रेंजर्स के बीच में रोआई प्रीमियर लीग 2020 का ये फाइनल मुकाबला। जाखवीर रेंजर्स ने टॉस जीता है और बिना किसी झिझक के कैप्टन ने कहा कि वे पहले फील्डिंग करना चाहेंगे, तो फील्डिंग करने का निर्णय। नियांश वॉरियर्स के कैप्टन अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। ओपनर बैट्समैन और जो टीम के ऑनर भी है निमेश भाई, साथ में निधीश भाई।
लग तेरा पतला गया पतला गया। तो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए कैप्टन निमेश और उनके साथ निधिश, काफी बड़ी जिम्मेदारी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर रहेगी। फाइनल मैच में अच्छी शुरुआत देने का दारोमदार जो है वो सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर। दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है और उसका नतीजा ये कि अब फाइनल में ये दोनों टीमें आपस में टकरा रही है। पहला ओवर लेकर विपुल, फाइनल मैच की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट निमेश के लिए। बड़े ही अड़बड़ाहट के साथ खेले थे, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन शायद किनारा लगा था बल्ले का, विकेट कीपर तक कैरी नहीं हुई गेंद। डॉट बॉल के साथ इस महामुकाबले की शुरुआत, ग्रैंड फिनाले रोवाई प्रीमियर लीग 2020 का। पहला ओवर पावर प्ले का, इस बार बैकफुट पर जाकर खेला हवा में और कैच 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 ड्रॉप, स्क्वेयर लेग पर कैच ड्रॉप और देखिए थ्रो, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड नजर आए वहां पर फील्डर। आसान सा मौका था लेकिन मौके को भुना नहीं पाए, बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज निमेश, जीवनदान मिला, एक रन से खाता खुला है। इस बार जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, शायद बल्ला पिच पर टकराया था, वहां पर ड्राइव करने का प्रयास किया था निधिश ने। सिर्फ दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन पर और एक डीप मिड विकेट की दिशा में, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव कर दिया गया, इनको कवर में फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छा क्षेत्र क्षण, एक ही रन लेने का अवसर, इस सिंगल की मदद से खाता खुलता हुआ निदेश का। वैसे निदेश का बल्ला ज़्यादा बोला नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस फाइनल मैच में ज़रूर एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे। और साथ में निमेश भी, इस बार घुमा दिया गेंद को फील्डर से दूर, पहले बाउंस पर चार रन, फाइनल मैच का पहला चौका कैप्टन निमेश के बल्ले से। छोटी गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। सूरज चौका, शॉर्ट पिच गेंद पर, फिर से शॉर्ट गेंद, फिर से पुल किया है, लेकिन इस बार डीप स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, कैप्टन खुद वहां पर तैनात, जाकि एक ही रन लेने का अवसर और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। नियांश वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति। वीआईपी डाइस का नजारा आपकी स्क्रीन पर इस समय, कई मान्यवर वहां पर मौजूद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिंस मूवीज इस टूर्नामेंट का टेलीकास्ट कर रही है। हमारे साथ में कमेंटेटर है अजय भाई, जो अभी तक बहुत ही अच्छी कमेंट्री हमको सुनने को मिल रही है, शुक्रिया बहुत सर। बहुत आभार अजय भाई का भी। थैंक यू सर। इसी बीच वाइट गेंद, अतिरिक्त रन केतन भाई गेंदबाजी के लिए आए हैं और उनका भी ऑलराउंड प्रदर्शन रहा इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ मैदान में, मैदान के बाहर भी। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, ऑन ड्राइव कर दिया गेंद को डीप वाइडिश मिड ऑन पर, दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज, खतरनाक साबित हो सकता है अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, नॉट आउट घोषित करते हुए बल्लेबाज को। लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज है निदेश और अपने लंबे लंबे डक भरते हुए आखिरकार पहुंच गए अपने क्रीज में। काफी हालांकि जोखिम उठाया था दूसरे रन के लिए, गेंद सीधे फील्डर की तरफ जा रही थी, इन 2 रनों से स्कोर डबल फिगर्स में पहुंचा है 10 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार कहीं ना कहीं दुविधा में थे, फ्रंट फुट पर खेले या बैक फुट पर, लेकिन लगभग कमिट हो गए फ्रंट फुट पर, गेंद
थोड़ी सी आगे पिच कराए थे इस बार केतन भाई ने दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ओहो फुल टॉस थी लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए निमेश, एक ही रन मिलेगा। थोड़ी धीमी शुरुआत है अभी तक देखा जाए तो, सिर्फ 11 रन बने हैं दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है और विकेटें हाथ में रहती है तो बाद में तेजी से रन्स भी बनाए जा सकते हैं। इस बार जोरदार कट लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, वाइडिश गली में खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर निदेश के पास, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 12 रन। पहले ओवर में 7 रन आए थे, इस ओवर से अभी तक 5 रन आए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया है लेकिन डीप में काफी प्रोटेक्शन वहां पर स्क्वेयर लेग की दिशा में, थोड़ा सा हेजिटेशन, दो की कोशिश, निशाना लगा तो है स्टंप्स पर विकेट कीपर का लेकिन तब तक बल्लेबाज पहुंच गए अपनी क्रीज में, 2 रन चुरा लिए और अब स्कोर 14 रन, फिर से 7 रन आए ओवर से, 2 ओवर का खेल समाप्त, 14 रन बिना किसी नुकसान के नियांश वॉरियर्स। एक गेंद शेष है, एक गेंद शेष है अंपायर्स ओवर में, अभी भी एक गेंद शेष है क्योंकि जो ऑफलाइन स्कोरर है ऑनलाइन स्कोरर है दोनों मुझे बता रहे हैं कि एक गेंद अभी भी शेष है। पहली गेंद वाइड रही थी इस ओवर की, एक गेंद डॉट है, 2 बार डबल्स लिए 2 बार सिंगल्स तो एक गेंद बची है। पहली गेंद वाइड रही, फिर डबल, फिर डॉट और फिर 2 सिंगल्स, फिर एक डबल। ओवर की आखिरी गेंद सामना करते हुए निमेश, हल्के हाथों से खेला है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे लेकिन फील्डर वहां पर गलती करते हुए, वेदांत है वहां पर और इस बार बल्लेबाज रन आउट, 2 रन लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाए और रन आउट। अब जाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर नियांश वॉरियर्स और चकवीर रेंजर्स के बीच में रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 5 का ये महामुकाबला ग्रैंड फिनाले। बॉलिंग में चेंज, कैप्टन जैकी आक्रमण पर आते हुए, नए बैट्समैन आए हैं हितेश जो बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में, एक 44 रनों की पारी खेली है उन्होंने, एक मैच में 34 रन भी बनाए थे, गजब के टच में नजर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में हितेश। सामना करते हुए सुरक्षात्मक तरीके से खेला है, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक बॉलर की दिशा में, थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो उस पर खड़े प्रहार करते हैं हितेश, ये उनके बल्लेबाजी की खासियत है और पहली गेंद को उन्होंने सम्मान दिया। इस बार करारा ड्राइव, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, उमंग गेंद पर आते हुए बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब क्षेत्ररक्षण उमंग का,
जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए उन्होंने 2 रन बचाए। कोई और फील्डर होता तो शायद गेंद बाउंड्री के बाहर भी निकल सकती थी, लेकिन उमंग थे वहां पर, जो हरफन मौला खिलाड़ी है, बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग में भी जबरदस्त कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार उठा दिया है, गेंद को भेज दिया दूर गगन की छाव में, 6 रन। कमाल का शॉट, स्लॉग स्वीप हितेश के बल्ले से, और हितेश ने वाकई में अपनी टीम का हित किया है इस पूरी टूर्नामेंट में। गजब की बल्लेबाजी की है, लेंथ गेंद थी ये, गुड लेंथ पर बिल्कुल पिच हुई थी, लेकिन क्या जबरदस्त टाइमिंग देखने को मिला है और ताकत का भी इस्तेमाल किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल दिया डीप स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फाइनल मैच का पहला सिक्सर हितेश के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से विकेट का पतन हुआ, रनआउट हुए थे बल्लेबाज निदेश, और कहीं ना कहीं निदेश ज़्यादा तेज रफ्तार से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, तो वो भी एक वजह रही कि उन्होंने दूसरा रन लेना चाहा और रनआउट हुए, और उनका आउट होना थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद साबित हुआ है उनकी टीम के लिए, क्योंकि हितेश मैदान में आए हैं और आते ही उनका आक्रमण भी शुरू हो गया है। 23 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जैकी ने बढ़िया प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, उदाहरण देकर नेतृत्व करते रहे हैं कैप्टन। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर थोड़े दूर है, दो दो खिलाड़ी झपटते हुए गेंद पर। निखिल ने उठाया, थ्रो किया, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका था वहां पर हितेश के पास। इस बार पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई थी गेंद और काफी देर हवा में भी रही थी, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं की। अब तो हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं हितेश। अच्छी गेंद, इस बार उतना ही अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ दिया स्क्वेयर लेग क्षेत्र में और ले लिया एक सिंगल। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, कुल मिलाकर 8 ओवर्स प्रति पारी का ये मेगा फाइनल RPL सीजन 5। ऑफसाइड में शॉर्ट थर्ड मैन, डीप पॉइंट, कवर में खिलाड़ी और एक लॉन्ग ऑफ। बहुत बढ़िया गेंद इस बार, बहुत ही शानदार गेंद, और बाल बाल बच गए वहां पर निमेश। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी स्कीड होकर अंदर की तरफ आई थी, सुरक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के बेहद नजदीक से गेंद गुजर गई विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के लिए अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, 3 ओवर में 26 रन बहुत बड़ा टोटल नहीं है, और 1 विकेट गवाया है जिससे कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेंगे अभी तक के गेंदबाजी प्रदर्शन से कैप्टन जैकी। ज़्यादा रन्स भी गेंदबाजों ने नहीं खर्च किए हैं, 8.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए बल्लेबाज नए ओवर लेकर उमंग, और ये सबसे बेहतरीन कहीं ना कहीं खिलाड़ी साबित हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। हर मैच में विकेट्स निकाले हैं, अच्छे रन्स बनाए हैं उमंग ने, केवल गेंद को बल्ले पर लगने भर दिया, पॉइंट की तरफ ढकेला गेंद को, और 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा कर रहे बल्लेबाज हितेश। बहुत बड़ी विशेषता है हितेश की बल्लेबाजी की कि पहले देखते हैं कि गेंदबाज क्या कर रहे हैं, खासतौर पर ओवर की पहली गेंद या फिर पारी की पहली गेंद जब खेलते हैं तो थोड़ा संयम दिखाते हैं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं, लेकिन कमजोर गेंदों को बख्शते नहीं है। इस बार फुल टॉस पर बैट का फेस खोलते हुए खेला 1 रन के लिए। अभी तक निमेश ने भी अच्छी बैटिंग की है, 1 चौका लगा चुके अपनी पारी में। तेरह पर बैटिंग करते हुए कैप्टन निमेश, 12 पर खेल रहे हितेश। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है लेकिन गैप में, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा में, घूमती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। डीप पॉइंट के जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल सही अनुमान के साथ आए थे गेंद पर, लेकिन गेंद ने उनको चकमा दिया, गेंद घूम गई उनके सामने से और फिर कोई मौका नहीं था रोकने का। 4 महत्वपूर्ण रन्स,
इस चौके की बदौलत स्कोर आगे जाता हुआ 32 रन। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए खासतौर पर हितेश, इस बार फिर से हवाई फायर, कोई मौका नहीं फील्डर के पास रोकने का। वन बाउंस चौका, कमाल की बैटिंग कर रहे हितेश। पहले ऑन साइड को फेवर किया उन्होंने और अब ऑफ साइड में भी बहुत ही दिलकश शॉट्स खेल रहे हैं। दर्शकों के दिल जीत रहे अपने बल्लेबाजी से हितेश, अपना पूरा अनुभव अपनी टीम के लिए झोंकते हुए। इस टूर्नामेंट में हितेश का भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बैटिंग रहा है। सौ से अधिक रन बना चुके इस टूर्नामेंट में हितेश। अपिश खेला लेकिन फील्डर ने कैच की कोशिश नहीं की, थोड़ा पीछे पीछे जा रहे थे, बाउंस पर फील्ड करने का प्रयास और तब तक एक रन। स्कोर इस समय 37। उमंग थोड़े से महंगे साबित होते हुए 11 रन अभी तक खर्च किए हैं। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, ऑफसाइड में पुश करने का प्रयास लेकिन गेंद तेज निकल गई। देखिए जब आक्रामक बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर होता है तो ऐसे लगता है कि बॉलर कुछ नहीं कर रहा है, साधारण बॉलिंग हो रही है, लेकिन जब खासतौर पर निमेश स्ट्राइकर एंड पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि बॉलर्स के लिए पिच में भी मदद है, क्योंकि वो थोड़ा धीमा खेल रहे हैं, संयम से सुरक्षात्मक तरीके से ज़्यादा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस वजह से भी ऐसे लगता है कभी कभी कि बॉलर्स थोड़े से हावी है। लेकिन अभी तक अच्छा खेल देखने को मिला है दोनों तरफ से। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर 37 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। अब बचे हैं यहां से और चार ओवर्स नियांश वॉरियर्स की पारी में। भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही फेमस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से यह सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 5 का। रुवाई प्रीमियर लीग की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, रुवाई कमेटी मेंबर्स, उनकी ओर से हम सभी स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहते हैं, सभी सपोर्टर्स को थैंक्स कहते हैं, जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट के लिए सहायता की है उन सभी के हम शुक्रगुजार हैं। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, लंबा हिट, 6 रन। गेंद जैसे ही बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की, इतना खूबसूरत स्ट्रोक था। केतन भाई के नए ओवर का स्वागत सिक्सर के साथ, स्कोर उछलता हुआ 43 रन्स। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार निकल के मारा है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे के लिए पलट चुके हैं, सदमे में आ गए गेंदबाज, दोनों हाथ सिर पर उन्होंने दे दिए हैं अपने, केतन भाई सदमे में आ गए और गेंद पर उनका ध्यान नहीं था, अथवा दूसरे रन के चक्कर में बैट्समैन रनआउट भी हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को भी पता था कि फील्डर्स थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। दो रन लिए इस गेंद पर, स्कोर 45। इस बार जोरदार स्लैश, गेंद हवा में है, इनफील्ड को क्लियर किया, डीप कवर में फील्डर को फिर से गेंद ने बीट किया और 4 रन, ये दूसरी बार हुआ है। गेंद घूम रही है और ठीक तरह से पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे वहां पर स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर। तेजी से रन्स आते हुए, रन्स अब बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं, रनों की बारिश शुरू कर दी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हितेश ने, स्कोर 49। पहले दो ओवर्स में सिर्फ 15 रन बने थे, उसके बाद काफी तेजी से रन्स बना रहे हैं बल्लेबाज। एक तेज तर्रार तूफानी पारी खेलते हुए हितेश, एक और सुंदर शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, इस बार 6 रन। क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिल रही है, गेंद के बिल्कुल मेरिट पर खेल रहे हैं, जब ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वाली मिलती है तो ड्राइव लगाते हैं, शॉर्ट पिच गेंद मिलती है तो कट और पुल भी खेलते हैं, गेंद जब उनके स्लॉट में आती है तो उसको बख्शते नहीं है। सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा पार करती हुई नियांश वॉरियर्स टीम, स्कोर 55, 55 रन मात्र एक विकेट के नुकसान पर। हितेश यदि अंत तक खेले इस पारी में तो लगता है कि स्कोर 100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्षमता रखते हैं कि यहाँ से और 40-45 रन अपनी टीम के लिए खुद ही जोड़ सकते हैं। हितेश भाई से एक एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं कि शेर शेर ही रहता है, शेर कभी बुड्ढा नहीं होता, क्या बात है, और शेर कभी घास नहीं खाता है,
सही बात है जी भाई। इस बार करार ऑफ ड्राइव फील्डर को बीट किया, सर्कल में जो खिलाड़ी थे उनको, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है, दो रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, और फील्डर देखिए थोड़ी सुस्त नजर आए, विपुल भाई है मेरे ख्याल से वहां पर। थ्रो उनका अंडर आर्म थ्रो देखने को मिला, तेज थ्रो की जरूरत थी। इस बार फुल पर लेकर एक और दर्शनीय स्ट्रोक, चार रन। लॉन्ग ऑफ को बहुत वाइड रखा गया है और वहीं से चौके छक्के लगा रहे हैं, बहुत महंगे साबित हुए केतन भाई, दो ओवर में 32 रन खर्च किए इस फाइनल मुकाबले में। ओवर की समाप्ति 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 61, 61 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अच्छा रहा था केतन भाई का, 8 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 24 रन जी हाँ 24 रन खर्च किए। अच्छी खबर ली उनकी गेंदों की हितेश भाई ने, और हितेश भाई खेल रहे 45 पर, मात्र 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से, सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया है और टीम का स्कोर 61 रन। अभी भी 3 ओवर्स का खेल शेष। इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक बल्लेबाज ऐसे है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है और वो खिलाड़ी है केतन भाई के सपूत ऋतिक, जिन्होंने बाबाजी राइडर्स के लिए खेलते हुए कल 51 रनों की शानदार पारी खेली थी। हितेश भाई भी 5 रन के पीछे है हाफ सेंचुरी में, 45 पे खेल रहे हैं। देखना है इस टूर्नामेंट में 44 का उनका हाईएस्ट स्कोर था। जी हाँ, एक 44 की पारी खेली और अब 45 नॉट आउट, आगे निकले लेकिन इस बार चूक गए। अच्छी गेंद, जैकी के पास थोड़ी बहुत रफ्तार जरूर है जिससे थोड़े आश्चर्य में भी डालते हैं कभी कभी बल्लेबाजों को, थोड़े से तंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं खासतौर पर उमंग और जैकी, ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस है जैकवीर रेंजर्स के पास, लेकिन अभी तक एक ही विकेट गिरा है इस पारी में। स्थिति काफ़ी मजबूत इस फाइनल मुकाबले में नियांश वॉरियर्स की। फ्लिक किया गेंद हवा में, गैप में खेल दिया है 4 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। इसी के साथ हितेश भाई 49 रन पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक कदम दूर हाफ सेंचुरी से, सिर्फ 17 गेंदे खेलिए, सिर्फ 17 गेंदे, 17 गेंदों में खाली 49 रन हितेश भाई के, सिर्फ एक रन दूर हाफ सेंचुरी से और एक्स्ट्रा दो प्लेयर आ गए ग्राउंड में, दो प्लेयर एक्स्ट्रा आ गए ग्राउंड में। 5 चौके लगा चुके हैं और 3 सिक्सर्स, 17 गेंदों में 49 पर बैटिंग करते हुए। फुल टॉस थोड़ा मिस टाइम है लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा, 50 रन पूरे होते हुए हितेश भाई के, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। दूसरे के लिए पलटे हैं, अपील वहां पर रन आउट के लिए, लेकिन नहीं, पहुंच गए अपने क्रीज में सुरक्षित। शानदार बल्लेबाजी, रुवाई प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी, ये पारी दर्शक कभी भी नहीं भूलेंगे। हितेश भाई की शानदार बैटिंग, 18 गेंदों में नाबाद 51 रन। और इसी के साथ ग्राउंड में आगमन है विलास सर पाटिल साहब का, आरपीएल कमेटी रुवाई प्रीमियर लीग 2020 आपका हार्दिक स्वागत करता है, आप मंच पे पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है चैलेंज ग्राउंड के अंदर। लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्मान्य विलास आर पाटिल साहब का यहाँ पर शुभ आगमन, रुवाई प्रीमियर लीग 2020 में सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। फाइनल मुकाबला नियांश वॉरियर्स का स्कोर 68 रन। इस बार फिर से फुल टॉस, गेंद को गैप में खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद पर आए, अच्छा थ्रो है वहां पर और बैट्समैन रन आउट, विकेट अपना फेंक दिया है कैप्टन निमेश ने, दूसरे विकेट का पतन। स्कोर 69 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये छठे ओवर का खेल चल रहा है, कुल मिलाकर 8 ओवर्स प्रति पारी का ये महामुकाबला नियांश वॉरियर्स और जैकवीर रेंजर्स के बीच में। रेंजर्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, स्कोर अभी तक पहुंच चुका है 69 पर।
छठे ओवर में अभी भी एक गेंद शेष, पहले दो ओवर में 15 रन, उसके बाद के दो ओवर्स में 22 रन आए थे, लेकिन जो पांचवा ओवर था पारी का उसमें 24 रन बनाए हितेश भाई ने। हितेश की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, अभी भी डटे हुए है क्रीज पर, कल अपने अर्धशतक से चूक गए थे, 44 पर आउट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने वो सपना पूरा किया है, इस फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली है। नए बैट्समैन आए हैं निखिल, और निखिल सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने अपनी टीम के लिए। छब्बीस रनों की नाबाद पारी खेली थी, 78 रनों का जो लक्ष्य था उसको पार करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी निखिल ने, और आते ही इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड, अतिरिक्त रन मिलता हुआ नियांश वॉरियर्स को, वॉरियर्स का स्कोर अब 70 रन दो विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड में दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्ररक्षण, डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट कर दिया है, लॉग ऑन के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी कोशिश बेकार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऐसे लगा कि हाथ से कम और पैर से ज्यादा कैच लेने की कोशिश हो रही थी। महत्वपूर्ण बाउंड्री, चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज निखिल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त, 6 ओवर के बाद स्कोर 74, 74 रन दो विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 6 टीमें इस टूर्नामेंट में मेंस कैटेगरी में, और किड्स का भी फाइनल मैच थोड़ी देर पहले हमने देखा जो रुवाई ऑरेंज और रुवाई ब्लूज के बीच में हुआ था, ब्लूज ने उस फाइनल मैच को जीता, और प्रिंसेस का भी क्रिकेट हमने देखा आज। एक तरह से ये फेस्टिवल है रुवाई प्रीमियर लीग, बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया है अंपायर ने। और दोनों भी खतरनाक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, खासतौर पर हम बात करें तो हितेश जो 51 पर बैटिंग कर रहे हैं, मात्र 18 गेंदों का सामना किया है, कुल मिलाकर 6 चौके लगाए हैं और 3 छक्के, एक बहुत ही यादगार पारी अपनी टीम के लिए खेली है। माननीय श्री विलासर पाटिल साहब इस समय मैच का लुत्फ उठाते हुए, मंच की शोभा को बढ़ाते हुए, और उनके साथ अन्य मान्यवर भी है। बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज उमंग, उमंग का यह दूसरा ओवर होगा, पहले ओवर में 11 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला है, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि उमंग को विकेट नहीं मिलता है, सेमीफाइनल तक हर मैच में उनको विकेट मिला। फुल टॉस फ्लिक कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर से दूर, 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, जैसी गेंद आती है वैसे स्ट्रोक खेलते हैं, गेंद की मेरिट पर ज्यादातर बल्लेबाजी की है, शॉर्ट पिच गेंदों पर कट लगाए है, पुल लगाए है, हाफ वॉलीज पर ड्राइव्स खेले उन्होंने, डाउन द ग्राउंड अच्छे शॉट्स लगाए है, और अब कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को निकाला था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, हालांकि डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन थोड़ा स्क्वेयर खेला था, खिलाड़ियों को देखते हुए बैटिंग की जा रही है, फील्डर्स को देखते हुए शॉट्स खेले जा रहे हैं। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर पीछे पीछे जा रहे हैं, गेंद उनके पीछे, उनके ऊपर से, 4 रन, कैच पर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, निखिल थे वहां पर और काफी पीछे पीछे जा रहे थे, बाउंड्री के नजदीक पहुंच गए, गेंद उनसे बहुत आगे गिरी और बाउंस होकर उनके ऊपर से चली गई, 4 रनों के लिए। लगातार दूसरा चौका इस ओवर में, बैटिंग पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाते हुए अब हितेश 60 पर बैटिंग कर रहे हैं, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन गैप में जा रही है गेंद, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए, वहां पर फंबल, बल्लेबाज भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, दूसरा रन बहुत आसानी के साथ लेते हुए, इन दो रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 84।
रनों का कहीं ना कहीं अब पहाड़ देखने को मिल रहा है इस फाइनल मैच में। दुबई प्रीमियर लीग 2020 सेशन 5, विलासार पाटिल साहब हमारे बीच में। इस बार बीमर गेंद और टॉप एज लेकर गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। नो बॉल एम्पायर का इशारा। जी हाँ, बीमर गेंद है, नो बॉल, और नो बॉल है तो अगली गेंद पर फ्री हिट। वैसे भी लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में आजकल नो गेंदे करना मतलब गुनाह करने के बराबर है बॉलर के लिए। अगली गेंद पर तुरंत उनको सजा दी जाती है फ्री हिट के रूप में। निखिल भाई के पास भी अच्छा एक्सपीरियंस चैलेंज ग्राउंड का, और उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे बीच में साहब बैठे हुए हैं, विलासार पाटिल साहब। स्विंग एंड मिस, फ्रेट पर चौका या छक्का नहीं लगा पाए, कोई रन भी नहीं बना पाए, और ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। मुझे तो याद आता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही फ्री हिट गेंद ऐसी रही है जिस पर छक्का लगाए, अथवा सिंगल डबल्स बनते रहे हैं या फिर गेंदे डॉट चली गई है। बल्लेबाज थोड़े सा दबाव महसूस करते हैं फ्री हिट पर, उनको लगता है कि एक गेंद पर 6 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार चॉप करना चाहते थे, अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर, अच्छी वापसी करते हुए इस ओवर में दो चौके लगने के बाद 3 चौके लगे कुल मिलाकर। नो बॉल पर भी चौका लगा था, स्कोर 89। बैटिंग पावर प्ले का ओवर है जिसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी घेरे के बाहर, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है और एक डीप मिड विकेट। अगली गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, फिर से यॉर्कर लेंथ, रन लेना चाह रहे थे वहाँ पर हितेश, लेकिन फिर देखा कि बॉलर तेजी से गेंद पर आ रहे हैं, मौका नहीं था। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवर्स के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नियांश वॉरियर्स, स्कोर हुआ है 89 रन, 89 2 विकेटों के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो रुवाई मेंबर्स है वो एकत्रित आ गए हैं और एक उत्सव की तरह इस टूर्नामेंट को उन्होंने मनाया है। हर कोई यहाँ आकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है लोगों ने, और गेट टुगेदर कहीं ना कहीं ये रुवाई मेंबर्स के लिए रहा है। पारी में एक ओवर का खेल शेष है, जबरदस्त टोटल अभी तक बना लिया है नियांश वॉरियर्स ने। शुरुआत थोड़ी धीमी रही लेकिन पारी को बहुत अच्छी तरह से पेस किया है, खासतौर पर वन डाउन बल्लेबाज हितेश ने, और पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला बोला है, हर मैच में शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने। 100 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट में। नेवर लेकर विपुल, हाफ वॉली लॉफ्टेड शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, बढ़िया कैच, केतन ने कोई गलती नहीं की वहां पर, और विकेट का पतन। काफी अच्छा कैच, लेकिन देखना है वहां पर बल्लेबाज एक दूसरे को क्या बता रहे हैं। कैच तो लिया गया है, क्लीन कैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शायद अंपायर भी वही देख रहे, वहाँ पर जब गेंद हवा में थी तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है या नहीं। आउट होकर पेवेलियन में लौटते हुए निखिल ने बनाए केवल 4 रन। जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें सबसे पहले निदेश आउट हुए थे सलामी बल्लेबाज, रन आउट के रूप में 2 रन बनाए उन्होंने। दूसरे सलामी बल्लेबाज निमेश ने 14 रनों का योगदान दिया और अब 4 रन बनाकर निखिल आउट हुए हैं। लेकिन हितेश अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर और उन्होंने ही सबसे ज्यादा रन इस पारी में बनाए हैं। 66 पर बैटिंग कर रहे हैं, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, वहां पर अच्छी कोशिश लेकिन कैच ड्रॉप, गेंद लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन पर आ रही है। कैप्टन जैकी से गलती हुई है, कोशिश बढ़िया की उन्होंने क्योंकि ये आसान कैच नहीं था, अपनी दाहिनी तरफ जाकर दौड़ते हुए कैच को अंजाम देना था, लेकिन सुरक्षित हाथों की जोड़ी नहीं पेश कर पाए, गेंद अंतिम क्षणों में हाथ से छिटकी और इस गेंद पर 2 रन। इस बार पुल एंड पावरफुल 6 रन, बहुत ही बढ़िया प्रहार,
धीमी गति की गेंद थी। वैसे भी विपुल ज्यादा रफ्तार देते नहीं है किसी भी बल्लेबाज को, लेकिन काफी समय मिल गया वहां पर बल्लेबाज को। गेंद को पुल कर दिया बल्ले के बीचों बीच लेकर डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता हुआ 97 रन। सिर्फ एक बार इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि 100 से अधिक रन किसी टीम ने बनाए। बाबाजी राइडर्स ने कल 120 रन बनाए थे 8 ओवर्स में, और अब लगता है कि इस मैच में भी 100 का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। फिर से मिड विकेट पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर जा रही है, मिसफील्ड हुआ है। उमंग सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, और दोबारा जब तक फील्ड करेंगे 2 रन लेने का समय हितेश के पास। स्कोर 99। अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष। विपुल शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे वहां पर। कमाल की पारी खेली है, ऐतिहासिक पारी इस ऐतिहासिक फाइनल मैच में। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, गेंदबाज ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। गेंदबाज कोशिश करते तो शायद ये कैच बन सकता था, क्योंकि काफी देर गेंद हवा में रही थी। 2 रन पूरे, और इसके साथ ही 100 रन भी पूरे होते हुए नियांश वॉरियर्स के 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी की आखिरी गेंद सामना करते हुए हितेश, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, एक और छक्का। अंतिम गेंद पर सिक्सर, जबरदस्त समापन किया है इस पारी का। शानदार पारी खेली है फाइनल मुकाबले में हितेश ने, और कुल मिलाकर 8 ओवर्स में नियांश वॉरियर्स ने बनाए हैं 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 108 रनों की बड़ी चुनौती रुवाई प्रीमियर लीग 2020 को जीतने के लिए जैकविल रेंजर्स के सामने। कुल मिलाकर 84 रन बनाकर नाबाद रहे हितेश, 84 रनों की नाबाद अद्भुत पारी। विलासार पाटिल साहब का सम्मान करने के लिए मैं पूरी आरपीएल कमेटी को बुलाऊंगा। जो आरपीएल कमेटी है वो पूरा आ जावे, साथ में मेन स्पॉन्सर शीत क्रिएशन, विपुल भाई एंड विपुल भाई। पूरी आरपीएल कमेटी और मेन स्पॉन्सर शीत क्रिएशन, विपुल भाई, विपुल भाई साहब का सम्मान करने के लिए आपको जल्दी पधारना है। साहब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, साथ में हमारे रुवाई के जो वडील यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी सब पधारे। रुवाई के जो वडील यहाँ पे बैठे हुए वो भी सब पधारे। बहुत ही खुशी का लम्हा है सभी रुवाई मेंबर्स के लिए। जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन और सम्मान्य विलासार पाटिल साहब की मौजूदगी, जिससे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए हैं। तो 107 रन 8 ओवर्स में बनाए हैं नियांश वॉरियर्स ने, और 108 रनों की बहुत ही बड़ी चुनौती फाइनल मैच जीतने के लिए जैकविल रेंजर्स के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे।
बहुत बहुत धन्यवाद। फोर स्पॉन्सर मंगल मूर्ति रेयन सम्मान के लिए पधारे। वाटर स्पॉन्सर फूलीबेन अनराज जी जल्दी पधारे सम्मान के लिए, क्योंकि अभी हमको मैच का खास आनंद लेना बाकी है। साथ ही फोर स्पॉन्सर सुबोध कॉरपोरेशन, अरविंद कुमार नवलचंद जी वीरवाड़ा, अरविंद भाई के फैमिली से कोई भी हो पधारे। अक्षय रौनक रमीला बेन नवीन चंद जी बालिका बेन चंपालाल जी नांदिया, उनके परिवार से कोई भी हो जल्दी पधारे, समय की मर्यादा है। राठौड़ फैमिली से भी कोई पधारे। हितेश भाई है, हितेश भाई का सम्मान करेंगे। कीर्ति भाई अल्केश भाई सम्मान करेंगे। श्यामा बेन उत्तम चंद जी, कुणाल कश्यप उत्तम भाई, जो भी हो पधारे। परवीन कुमार बाबूलाल जी, ललित कुमार रिकभ दास जी, रमीला बेन नवीन चंद जी परिवार से पधारी है। अर्ची ललित कुमार रिकभ दास जी से भावेश भाई भरत भाई कोई हो तो पधारे जल्दी, समय की मर्यादा है। हमको फाइनल मैच अभी देखना बाकी है। परमार इलेवन अमित भाई सब टीम के ऑनर आ जाओ जल्दी से। नियांश वॉरियर नवतीर्थ इलेवन जैकवीर और बाबाजी राइडर सब टीम के ऑनर आ जाओ जल्दी। मोमेंटो से आपका सम्मान किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी पधारे, अभी फाइनल मैच पूरा होना बाकी है। मॉन्टेक्स इंडिया नितिन भाई मामू, मॉन्टेक्स इंडिया नितिन भाई भी हो तो पधारे जल्दी या मंच के उधर। आशा पाटिल स्टेडियम पे शायद आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। नितिन भाई मॉन्टेक्स इंडिया जैकवीर नियांश भाई दोनों फाइनल तो खेल देना, लेकिन मोमेंटो तो ले लो, कब बाद में लेना।
सुरेश कुमार मेलाप चंद जी, राजकुमार सुरेश भाई, पक्षाल थ्रेड धीरज भाई, धीरज भाई, नितिन भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार आपको आना है। नितिन भाई, धीरज भाई, आपको एक बार आना है जरूर। दूसरे माले से आप लिफ्ट में आ जाओ, लिफ्ट में। परवीन कुमार बाबूलाल जी, सुरेश कुमार मेलाप जी, सुरेश भाई पधार रहे हैं, सुरेश भाई, लाला भाई, मोहित भाई, मोहित भाई आपको सम्मान के लिए पधारना है या स्टेज के उधर। मोहित भाई, रुआई प्रीमियर लीग 2020 सेशन 5 का मेगा फाइनल, सुरेश कुमार मेलाप चंद जी पधारे, उनका सम्मान अल्केश भाई के हाथों, सुरेश भाई का सम्मान अल्केश भाई के हाथों। मोहित फैशन, लाला भाई आ रहे हैं, मोहित भाई पधारे यहाँ पे, मोहित भाई का सम्मान अल्केश भाई के हाथों, और कैमरामैन आकाश भाई तैयार। अमित भाई ताराचंद जी, अमित भाई, नितिन भाई का हार्दिक स्वागत है, मॉन्टेक्स इंडिया नितिन भाई का हार्दिक स्वागत। सीएल बालिका बेन चंपालाल जी, सीएल किधर है, सीएल, सीएल आ जाओ, सम्मान ले लो अपना। जैक्वीर रेंजर्स सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। जो बच्चे लोग ग्राउंड में है सब बाहर आ जाओ बेटा, मैच चालू हो रहा है बेटा, बाहर आ जाओ बच्चे लोग, बाहर आ जाओ बेटा।
जो जैक्वीर रेंजर्स अपने दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। 108 रनों का टारगेट है 8 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए, ये फाइनल जीतने के लिए जैक्वीर रेंजर्स के सामने। टॉस जीता इस फाइनल मैच का रेंजर्स के कैप्टन ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी की दावत दी नियांश वॉरियर्स को। वॉरियर्स के लिए 84 रनों की नाबाद पारी खेली, अद्भुत पारी खेली मात्र 31 गेंदों में हितेश ने। चौकों छक्कों की बरसात कर दी यहां पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। अन्य बल्लेबाज ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए लेकिन हितेश ने वाकई में मूसलाधार बारिश की चौकों और छक्कों की। तो अब 108 रनों का टारगेट लेकर सलामी बल्लेबाज क्रीज पर दोनों भी इनफॉर्म बल्लेबाज उमंग और उनके साथ कैप्टन जैकी। कैप्टन जैकी ने 80 रन बनाए तो उमंग ने 88 रन बनाए इस टूर्नामेंट में अभी तक। पहली गेंद अश्विन द्वारा फुल टॉस थी लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर। एक रन पूरा किया, दो की कोशिश वहाँ पर, पहली गेंद पर काफ़ी जोखिम उठाया लेकिन दो रन पूरे। दो रनों से खाता खुलता हुआ जैक्वीर रेंजर्स का, खाता खुलता हुआ बल्लेबाज उमंग का। ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो किसी भी टारगेट को चेज कर सकते हैं, 108 रन निश्चित रूप से चेज करने की क्षमता रखते हैं। उमंग ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में खेले हैं इस टूर्नामेंट में लेकिन इस महामुकाबले में 108 रनों का टारगेट देखते हुए ओपन करने आए हैं। टॉस गेंद फायदा नहीं उठा पाए, फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर। अच्छा अवसर था वहां पर हाथ खोलने का, हाथ खोले भी लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को। केवल एक रन, एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। अब जैकी सामना करेंगे जो 3 मैचेस में इससे पहले 80 रन बना चुके हैं और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हितेश के बल्ले से निकले हैं, 4 मुकाबलों में 188 रन। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी ये, बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर खींचा था, आमंत्रित किया था ड्राइव करने के लिए, पड़ने के बाद गेंद ने काटा बदला वहां पर, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन हुआ गेंद में। एक और अच्छी गेंद, गेंद के लाइन में नहीं आ पा रहे बल्लेबाज चाकी, बहुत निराश अपने आप से, अभी तक उनका खाता नहीं खुला है। और बहुत ही अच्छी शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाज अश्विन द्वारा, इस बार बल्ले पर लिया है सीधे बैट से, मिड ऑफ पर ड्राइव किया और एक रन, तेजी से सिंगल ले लिया है, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे एक रन के लिए। खाता खुलता हुआ तीसरी गेंद पर जैकी का स्कोर 4 रन, प्रति ओवर 13 रन बनाने हैं औसतन जीतने के लिए। इस बार पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे और खेलने से चूक गए, बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ, पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के। जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी पावर प्ले के खेल में उस तरह की शुरुआत बल्लेबाज नहीं दे पाए हैं जैक्वीर रेंजर्स को। और अब बचे हुए 7 ओवर्स में 104 रनों की जरूरत।
आस्किंग रन रेट हेलो हेलो लगभग 15 के करीब पहुंचता हुआ 14.86 रन प्रति ओवर। शॉट गेंद इस बार पुल कर दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन कैच नहीं कर पाए, गेंद को रोका जरूर है, बाउंड्री के अंदर रोकने में कामयाब। निश्चित रूप से 3 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए वहां पर खिलाड़ी शॉर्ट पिच गेंदों पर काफी मजबूती के साथ प्रहार करते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए पिनेश आए हैं और पिनेश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, खास तौर पर गेंदबाजी में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, शायद कैच छूटा है लेकिन रनआउट का भी मौका है और वो भी गवा दिया वहां पर हितेश ने। बल्ले का किनारा लगा था मेरे ख्याल से लेकिन कैच नहीं कर पाए। पांच पर रुका हुआ स्कोर, आक्रामक शुरुआत की आवश्यकता है जैक्विर रेंजर्स को लेकिन अभी तक आक्रामक शुरुआत देखने को नहीं मिली है। इस बार सीधे बैट से ड्राइव कर दिया बॉलर के सिर के ऊपर से, एक बाउंस और ओहो फील्डर रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए, 4 रन। निमेश के हाथ से लगी गेंद और निकल गई सीमा रेखा के बाहर, अच्छा शॉट था, डाउन द ग्राउंड खेला था, पहला चौका इस पारी का उमंग के बल्ले से। एक ऐसे बल्लेबाज है जो एक बार शुरू हो जाए तो उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हो सकता है बॉलर्स के लिए। शॉट गेंद इस बार वो कर दिया है और बिल्कुल गैप में, फील्डर से दूर खेला और 4 रन। दो गेंदों पर लगातार 2 चौके निकलते हुए यहां पर उमेश उमंग के बल्ले से और अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जैक्विर रेंजर्स का 13 रन, यहां से और 95 रनों की आवश्यकता, 38 गेंदे शेष, 38 बॉल्स एंड 95 रन्स टू विन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे, इस ओवर से अभी तक 9 रन आ चुके हैं। एक ओवर पिच गेंद और उसके बाद शॉर्ट पिच गेंद दोनों का फायदा उठाया उमंग ने, भले ही काफी मजबूत स्कोर बनाया है नियांश वॉरियर्स ने लेकिन जैक्विर रेंजर्स के बल्लेबाज भी क्षमता रखते हैं कि वो भी इस स्कोर को बना सकते हैं, चेज करते कर सकते हैं 108 रनों को। तो सतर्क रहना होगा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी, लाइन लेंथ में गलती करेंगे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासतौर पर ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज है, 3 से लेकर 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बड़ी पारियां खेलने में माहिर है और उसमें से ये 2 बल्लेबाज जो कि दोनों भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टन जाकी और उमंग। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवा में है गेंद लेकिन फील्डर काफी दूर, नो मैन्स लैंड में जाती हुई आशीष गेंद पर आए हैं, रनआउट का अवसर और विकेट कीपर ने अवसर गवा दिया, मौके तो बन रहे हैं, कैच भी छूटा इस ओवर में, रनआउट के बार बार मौके मिल रहे हैं लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला है। आशीष बढ़िया फील्डर है और अच्छे गेंदबाज है नियांश वॉरियर्स के, इस समय डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डिंग करते हुए, एक डीप स्क्वायर लेग भी है, डीप मिड विकेट भी है, एक लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। आगे निकले थे बल्लेबाज लेकिन बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद जा रही है ऑफ साइड में, 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 16 रन। रुवाई प्रीमियर लीग 2020 सेशन 5 का ये फाइनल मेगा मुकाबला, लगभग 30,000 के आसपास पब्लिक, पूरा आशा पाटिल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, भारत भर से ही नहीं विदेश से भी, अमेरिका से भी लोग यहाँ पे पधारे हुए मैच का आनंद लेने के लिए। अपील हो रही है वहां पर, अंपायर की सहमति नहीं, एक और अच्छी गेंद, पहला ओवर भी बढ़िया किया था अश्विन ने, सिर्फ 4 रन दिए थे और इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से करते हुए, 92 रनों की और जरूरत, गेंदे काफी कम है, इस बार घुमा दिया गेंद को, हवाई फायर, 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, लगातार उसी दिशा में खेलने का प्रयास कर रहे हैं,
हाफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, पुल और हुक लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आखिरकार उसमें सफल साबित होते हुए उमंग, उमंग के बैट से निकलने वाला ये पहला सिक्सर, इस पारी का पहला छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के, 108 रनों का पीछा करती हुई इस महामुकाबले बॉल आई बॉल टीम जैकविर रेंजर्स और 86 रनों की जरूरत जबकि ये तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अभी तक हम देखें तो जैकी ने सिर्फ 2 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का सामना किया है और उमंग काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 पर बैटिंग करते हुए। फिर से शफल करते हुए खेला है, डिप स्क्वेयर लेग पर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग नितिन भाई के द्वारा अपने टीम के लिए। जी हाँ, नितिन वहां पर एक एक रन बचाने की भी चुनौती है, भले ही बड़ा टोटल है लेकिन एक एक रन का अपना महत्व होता ही है। आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में, एक रन पूरा किया, पिनेश काफी तेजी से गेंद पर आए हैं, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, सिंगल से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन और 84 रन चाहिए इस ओवर के बाद, 5 ओवर्स का खेल बचेगा। अच्छी शुरुआत जरूर दे रहे दोनों भी सलामी बल्लेबाज, इस बार निकल के खेला है, गेंद हवा में, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके सिर के ऊपर से 6 रन, फील्डर के मस्तक पर दस्तक, शानदार छक्का, देखते ही रह गए वहां पर निखिल, इन 6 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 29 रन। उमंग भाई उमंग में आते हुए छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी, ओवर समाप्त हो चुका है। तीस रन बने हैं 30, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 12 रन और तीसरे ओवर में आए 14 रन, 30 रन बने हैं और 5 ओवर्स में अभी भी 78 रनों की जरूरत, 30 गेंदे और 78 रन, 30 बॉल्स एंड 78 रन टू गेट। सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए धीरे धीरे साये गहराते हुए मैदान में, बहुत ही दिलकश लुभावनी शाम यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड में, और इस समय चल रहा है रुआई प्रीमियर लीग 2020 का फाइनल मैच। डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, नया ओवर लेकर निखिल, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है लेकिन खिलाड़ी तैनात है वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की जानिब, अच्छा क्षेत्ररक्षण, सफाई से फील किया गेंद को, केवल 1 रन। जैकी को ज्यादा हालांकि स्ट्राइक नहीं मिला है, सिर्फ 5 गेंदे खेली उन्होंने अभी तक इस पारी में, 3 पर बैटिंग करते हुए, और उमंग ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहा है और ज्यादा रन्स भी बनाए हैं उन्होंने, अभी तक 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं इस पारी में। इस बार लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। मैदान में इस फाइनल मैच में हमने देखा कि वॉरियर्स की ओर से तूफान आया था हितेश नाम का, और अब तूफान आया है जैकविर रेंजर्स की ओर से उमंग नाम का, इस तूफान को शांत करना होगा नहीं तो मैच लेकर जा सकते हैं। गेट के उधर जो बाइक है वो थोड़ा साइड में कर दे, वो टेम्पो अंदर आने वाला है, रिक्वेस्ट है थोड़ा गेट के उधर जो बाइक है ना थोड़ा साइड में कर दे, टेम्पो अंदर आ रहा है, रिक्वेस्ट है। फिर से एक लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन इस बार बात बनी नहीं, गेंद बल्ले पर आई नहीं, डॉट गेंद, बढ़िया कश्मकश है गेंद और बल्ले के बीच में, बहुत ही बढ़िया घमासान इस महामुकाबले में देखने को मिल रहा है। इस बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, बार बार और लगातार ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं अब बॉलर ने भी भाप लिया है और जानबूझकर गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। लेग बाई के जरिए 1 रन, इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे जाता हुआ 39, 39 रन बने हैं, 108 की चुनौती है, चुनौती बड़ी है लेकिन चुनौती का स्वीकार कर रहे हैं बल्लेबाज, घुटने टेके नहीं है उन्होंने,
संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार ज़्यादा शॉट नहीं थी लेकिन पीछे जाकर खेला है, बैकफुट पर जाकर खेला है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ एक रन लेने का अवसर वहाँ पर, शायद ओवर थ्रो, रन लेना चाहते तो थे जाके लेकिन मना किया वहाँ पर उमंग ने, एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर अब 40 रन और 68 रनों की ज़रूरत है इस ओवर के बाद, और चार ओवर्स का खेल बचेगा। अभी तक तो कोई विकेट नहीं गिरा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस ओवर में अभी भी एक गेंद शेष, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट की कोई भी विकेट नहीं गिरा है जैकविर रेंजर्स का। शॉर्ट गेंद हुक कर दिया है और गेंद हवा से बातें करते हुए फील्डर के पास, लेकिन कैच ड्रॉप, आशीष के हाथों से गलती और अंपायर का इशारा, चार रन, चौका घोषित किया अंपायर ने, कैच भी छूटा, मौका भी दिया और चौका भी दिया। चौके के साथ ही ओवर की समाप्ति, चार ओवर्स के बाद स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। बढ़िया पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए जैकविर रेंजर्स के लिए, जैकी और उमंग के बीच में। अब चार ओवर में 44 रन, 24 गेंदों में 64 रन चाहिए। यानी कि जो आस्किंग रेट है वो 16 रन प्रति ओवर का है, और ये रन्स बनाए जा सकते हैं। कई बार मैंने देखा है चार ओवर में 60-70 रन भी चेज हुए हैं, और यहाँ तो प्लस पॉइंट ये है कि विकेट एक भी नहीं गिरा है। उमंग बहुत बढ़िया टच में है, 15 गेंदों में 32 पर, जैकी खेल रहे हैं 9 गेंदों में 12 पर। नेवर लेकर आशीष, बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है, अश्विन अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। यॉर्कर की कोशिश लेकिन दिशा देखनी होगी और दिशा खराब है, वाइट का इशारा अंपायर परवेज शेख द्वारा। परवेज शेख और तकु जैन, ये दो अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए, दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान। और यहाँ पे हमारे संजय भाई बिना माइक के कमेंट्री देते हुए, दर्शकों की भी कमेंट्री चलती रहती है जब मैच चलता है। इस बार टर्न किया ऑन साइड में, खिलाड़ी तैनात है वहाँ पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक, एक रन। और जैकी भी कहीं ना कहीं सिंगल से खुश नजर आ रहे हैं, उनको पता है कि उनके पार्टनर बढ़िया फॉर्म में है उमंग। हालांकि जैकी भी लंबे हिट लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा मौके दे रहे हैं उमंग को बड़े शॉट्स खेलने के लिए। उमंग विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 46 बिना किसी नुकसान के। आशीष जो एक विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, जब ज़रूरत होती है तो विकेट निकालते हैं अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार हैमर्ड किया है लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, भावेश वहां पर। बहुत ही उम्र दराज लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग भावेश भाई के द्वारा। इस फाइनल मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है, खिलाड़ियों में तो और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अगली गेंद, इस बार स्विंग किया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर नहीं पहुंच पाए हैं। गेंद की तरफ जाने की जरूरत थी, शायद फील्डर ये सोच रहे थे कि गेंद खुद उनकी तरफ चल कर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कैच किया जा सकता था लेकिन कोई ज़्यादा एफर्ट शायद वहाँ पर चाहिए था। दो रन इसी बीच पूरे, स्कोर 49। फिर से घुमाया और इस बार फील्डर को क्लियर किया, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन, छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए रेंजर्स के 55 रन बने हैं 4.4 ओवर्स में। इस ओवर की दो गेंदें बची हैं और इस ओवर के बाद तीन ओवर्स, यानी कि कुल मिलाकर 20 गेंदें बची हैं, 53 रन और चाहिए। अब अजय भाई, जैकी भाई का भी बल्ला खुल गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि दोनों तरफ से आक्रमण किया जाए, वही कोशिश। फिर से हवा में खेल दिया, मौका है वहां पर और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच, पहली सफलता मिलती हुई इस फाइनल मैच में नियांश वॉरियर्स को। रेंजर्स के कैप्टन जैकी पेवेलियन में लौटते हुए 55 पर एक। फुल टॉस गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे, डीप वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे अश्विन, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंद को कैच किया। 12 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद पवेलियन में लौटते हुए
और इस टूर्नामेंट में 100 से अधिक रन जैकी ने भी बनाए, कुल मिलाकर 101 रन बनाए इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबलों में। अच्छा प्रदर्शन कैप्टन जैकी द्वारा, दोनों भी टीमें इतिहास रचने के लिए काफी बेताब है, बेचैन है, लेकिन देखना है कि इतिहास कौन सी टीम रच पाती है, कौन सी टीम आरपीएल के 5वें सीजन को जीत पाती है, नियांश वॉरियर्स या फिर जैकविल रेंजर्स। नए बैट्समैन केतन आए हैं, एक मिनट ले, एक मिनट ले बारिश। आई तो जाइए तो आई पानी फार सब ढीलो को मैं डालो आप बोतल ब्रेन और कैन पासो दे दे वो इमरजेंसी सही जी भाई थोड़ी मेरा वास्ते एक बार बाकी ना। ओवर में एक गेंद शेष है, पांचवा ओवर चल रहा है, स्कोर 55, 55 रन, 53 रन चाहिए, 19 गेंदें शेष। ड्रिंक्स हुआ है, उन्नीस गेंदे और 53 रनों की जरूरत। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरपीएल 2020 के इस महामुकाबले में। जैकविल रेंजर्स 108 रनों का पीछा कर रही है ये टीम। समीर भाई आप कीपिंग करने आए क्या? स्ट्राइक उमंग के पास, आशीष ने आखिरकार विकेट दिला ही दिया। हितेश की जगह समीर भाई आए हैं फील्डिंग के लिए, उनके थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो गई है। सेमीफाइनल मैच में भी पहला विकेट आशीष ने ही दिलाया था अपनी टीम को। इस बार शॉर्ट गेंद घुमा दिया है, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन गेंद जा रही है लॉन्ग लेग पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। ओवर अब जाकर समाप्त होता हुआ, 5 ओवर के बाद स्कोर है 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 52 रनों की जरूरत, आवश्यक रन रेट 17.33 रन प्रति ओवर। समीकरण कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट के खेल की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि चीजें मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता है, असंभव कुछ नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। नए बल्लेबाज केतन नॉन स्ट्राइक रेन पर अभी भी है, अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है, और केतन भाई भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं अपनी टीम के लिए, और अच्छे शॉट्स लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए। नया ओवर लेकर फिनिश, शॉट गेंद, करारा पुल शॉट, और फील्डर के पास मौका था लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही तेज स्ट्रोक था, थोड़ा सा मुश्किल अवसर जरूर था, लेकिन फाइनल मैच यदि आपको जीतना है तो ऐसे मुश्किल कैचेस भी पकड़ने होंगे। उमंग बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं, पिनिश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ये अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर रखा और बीट किया,
शॉर्ट पिच गेंदों पर आसानी से रन्स बना रहे हैं, लेकिन जब गेंदे आगे रख रहे हैं गेंदबाज तो थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि फुलर लेंथ की गेंदों पर क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। ओ ये शॉर्ट गेंद फाइन लेग की तरफ खेला है, फील्डर काफी दूर से आते हुए नितिन वहां पर एक हाथ से रोकने का प्रयास, नहीं रोक पाए, चार रन। इस ओवर में लगने वाला दूसरा चौका, अब 44 रनों की जरूरत, 15 गेंदे शेष, 15 गेंदे 44 रन, कुल स्कोर हुआ है 64 रन एक विकेट के नुकसान पर। ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है उमंग द्वारा। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की इस फाइनल मैच में नियांश वॉरियर्स ने 84 रनों की अद्भुत नाबाद पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में। हितेश ने जिसकी बदौलत 107 रनों का पहाड़ खड़ा किया 8 ओवर्स में वॉरियर्स ने, और उसका जवाब देते हुए अभी तक 5.3 ओवर्स में 64 रन बना लिए है रेंजर्स ने। ये गेंद बल्ले के थोड़ी नीचे लगी है, अंदरूनी हिस्से पर लगी है, लगातार क्रीज में पीछे जाकर शॉट्स लगा रहे हैं। ओवर थ्रो और 2 रन पूरे, और फिर से स्ट्राइक उमंग के पास। 44 पर बैटिंग करते हुए उमंग 21 गेंदों का सामना किया है, स्कोर 66। ये लगा छक्का और अर्धशतक पूरा, उमंग का अर्धशतक पूरा, इसके साथ उमंग के 50 ओवर पूरे। बहुत ही जैकवीर के 50 रन पूरे हुए। रन संख्या 72, 50 रन पूरे किए अपने उमंग ने, मात्र 22 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, गजब की पारी खेलते हुए एक अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए इस समय, वन मैन आर्मी उमंग। छत्तीस रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 13 गेंदे शेष, 13 गेंदे 36 रन, अब तो कुछ भी हो सकता है। पिनिश राइट अमोंग द विकेट, फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंदबाज भी काफी शॉर्ट पिच गेंदे कर रहे हैं, बल्लेबाजों ने काफी फायदा उठाया, खासतौर पर उमंग ने। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 73 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। दो ओवर में चाहिए 35 रन, 12 गेंदे और 35 रन। और अब बैटिंग पावर प्ले, जी हाँ, सातवां ओवर बैटिंग पावर प्ले, क्योंकि बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले लिया नहीं है, तो अब सातवें ओवर में बैटिंग पावर प्ले कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। बहुत ही रोमांचक फाइनल मैच, हाई प्रोफाइल मैच और हाई स्कोरिंग मैच, एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट इस रुवाई प्रीमियर लीग में देखने को मिल रहा है, महामुकाबला। काफी रोमांचक स्थिति में ये फाइनल मैच, काफी बड़ा टोटल बनाने के बावजूद भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है मैच को जीतने के लिए नियांश वॉरियर्स को। आशीष अपना आक्रमण जारी रखते हुए, उनका यह दूसरा ओवर और बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, फाइनल मैच का पेनल्टीमेट ओवर, 12 बॉल्स एंड 35 रन्स टू गेट, उमंग इज ऑन स्ट्राइक। उनके लिए ऑफसाइड में शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, दीवार सी ऑफसाइड में नजर आ रही है फील्डर्स की, लेकिन ऑन साइड में प्रोटेक्शन बाउंड्री पर नजर आ रहा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है और लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी है। ओ, बहुत बढ़िया गेंद, गेंद पैर पर लगी, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया। बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंद थी ये। आशीष एक ऐसे बॉलर है जो किसी भी बल्लेबाज को तंग कर सकते हैं, हाइट कम लेकिन फाइट ज्यादा। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, गजब का शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, क्या शॉट है,
अभी तक छोटी बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे, स्क्वेयर लेग मिड विकेट की तरफ खेल रहे थे, लेकिन इस दफा सामने जो कि सबसे लंबी बाउंड्री है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की, उसको क्लियर किया। नाक में दम करके रख दिया है गेंदबाजों के बल्लेबाज उमंग ने। स्कोर बढ़ता हुआ 79। अगली गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट, बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी वापसी लगी है गेंद थाई पर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थे, इंपैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप, नॉट आउट घोषित किया अंपायर ने। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच है, 9 गेंदें बची है, जीतने के लिए अब चाहिए 29 रन, 9 गेंदे 29 रन, अभी भी समीकरण आसान नहीं है। छोटा सा बॉलिंग रन अप, इस बार गेंद हवा में, कैच हो सकता है, दो दो खिलाड़ी पीछा कर रहे थे गेंद का, लेकिन वहां पर दोनों के बीच में जाकर गिरी है, और इसी बीच 2 रन बाल बाल बच गए। कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, वाकई में बहादुरी भरी बल्लेबाजी की है उमंग ने, और किस्मत का भी उनको कहीं ना कहीं साथ मिला है इस पूरी पारी में। जीत और वॉरियर्स के बीच में दीवार बन के खड़े है इस समय उमंग, क्या ये दीवार अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनी है, आइए देखते। जी हाँ, ऐसे लगता है कि ये अंबुजा सीमेंट से दीवार बनी है। फुल टॉस गेंद पर छक्का, चौको छक्कों की बारिश, हितेश भाई ने जो पारी खेली थी उसका ही कहीं ना कहीं रिप्लिका हम देख रहे हैं जवाब में उमंग द्वारा, 65 पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदे खेली है, स्कोर 87, और अब बची है 7 गेंदे बनाने हैं 21 रन्स, 21 रन, 7 गेंदे 21 रन, ऐसा मौका दर्शकों को और कहां मिलेगा फाइनल देखने का। तेज निकल गई गेंद, डॉट है या वाइड है, वाइड है, फिर से करना पड़ेगा इस गेंद को, पसीने से तरबतर गेंदबाज, पसीने से तरबतर बल्लेबाज, काफी पसीना बहाना पड़ा है दोनों भी टीमों को, और मैच बिल्कुल बराबरी का है। इस बार घुमा दिया ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर लॉन्ग लेग की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन और 1 रन से संतुष्ट है उमंग, क्योंकि स्ट्राइक उनके पास रहेगा आखिरी ओवर के लिए, और आखिरी ओवर में बनाने हैं 19 रन, स्कोर 89, 19 रनों की जरूरत, 6 गेंदे शेष। कमाल का फाइनल मुकाबला हुआ है रुवाई प्रीमियर लीग 2020 का। नॉर्मली जो फाइनल्स होते हैं वो एक तरफा रहते हैं, बट दिस वन इज फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, ये रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 5 का फाइनल मुकाबला है, ये फाइनल काफी रोमांचक है, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला फाइनल मैच, कमजोर दिल वालों के लिए मैच बचा नहीं है। 6 गेंदे 19 रन, और जिनके हृदय कमजोर है प्लीज थोड़ी देर के लिए आंखें और कान दोनों बंद कर दे, नहीं तो हार्ट फेल हो सकता है, धड़कन रुक सकती है। निखिल के हाथ में गेंद थमा दी है कैप्टन ने, 19 रन है उनके पास बचाने के लिए। जब 107 रन बने ऐसे लगा था कि शायद फाइनल मैच एक तरफा होगा, लेकिन नहीं, उमंग को वो मंजूर नहीं था, उमंग कुछ अलग ही ठान कर आए हैं 66 पर बैटिंग करते हुए, क्या अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे, कोशिश हो रही है। इस बार घुमा दिया गेंद को फिर से उसी क्षेत्र में लॉन्ग लेग की तरफ, वहां पर फंबल, एकरम पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज, और थ्रो बहुत ही धीमा, 2 रन पूरे। लगातार स्ट्राइक अपने पास रखने में कामयाब हो रहे हैं वहां पर उमंग। केतन भाई तो कब के आए हैं क्रीज पर, लेकिन अभी तक कोई गेंद नहीं खेली उन्होंने, बिल्कुल लग रहा है कि उमंग और नियांश वॉरियर्स के बीच में ही मैच चल रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, और ये लाइन के अंदर डॉट बॉल, ओहो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया, डॉट गेंद, अब 4 गेंदों में 17 रन चाहिए। फुल टॉस है, भेज दिया हवाई फायर, 6 रन, शानदार बल्लेबाजी, गेंद को रवाना कर दिया और दर्शकों को दीवाना कर दिया बल्लेबाज है उमंग, स्कोर 97, 3 गेंदे शेष, 11 रन चाहिए।
हर गेंद पर तालियां बजती हुई, कभी बॉलर के लिए तो कभी बल्लेबाज के लिए, और ज्यादातर तालियां बजी इस पारी में उमंग के लिए। 74 पर बैटिंग करते हुए 74 पर खेल रहे हैं उमंग, 32 गेंदें खेली है, 3 गेंदों में 11 रन। इससे बेहतरीन फाइनल मैच और क्या हो सकता है। अगली गेंद लेकर निखिल, ओ बढ़िया गेंद इस बार, फुलर लेन छकाया, वाह भाई वाह, मजा आ गया ये मैच देखकर। स्कोर 97, 2 गेंदों में 11 रन चाहिए। मैच यदि टाई हुआ तो सुपर ओवर, सुपर से ऊपर फाइनल मैच हुआ है, क्या सुपर ओवर होगा, क्या मैच टाई होगा, आइए देखते हैं। ओ बॉल, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए इस फाइनल मैच में 74 के स्कोर पर उमंग, और राहत की बहुत बड़ी सांस ली यहाँ पर सभी दर्शकों ने, खास तौर पर जो समर्थक है नियांश वॉरियर्स के। लेकिन कमाल की पारी खेली अपनी टीम के लिए, गुड बैटिंग उमंग, गुड बैटिंग, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता हुआ उनको, डिजर्व करते हैं, और विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी उनकी सराहना करते हुए, गेंदबाज निखिल ने भी शाबाशी दी, भावेश भाई ने भी उनका अभिनंदन किया, दिल जीत लिए, दर्शकों के दिल जीत लिए यहां पर उमंग ने। और अब समीकरण है एक गेंद पर 11 रन, तो ये मैच जो है, ये फाइनल मुकाबला जो है वो अब झुक गया है वॉरियर्स के पक्ष में। नियांश वॉरियर्स जीत की दहलीज पर, एक लीगल गेंद की जरूरत, एक गेंद 11 रन, नए बैट्समैन आए हैं वेदांत, मात्र औपचारिकता है शेष। जाने दिया गेंद को, रुकिए रुकिए, फाइनल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। वाइड गेंद, एक गेंद 10 रन, टेनिस बॉल क्रिकेट में एक गेंद पर 14 रन बनते हुए मैंने देखे हैं, 13 रन बनते हुए देखे हैं। फिर से जाने दिया, लेकिन इस बार लीगल गेंद, और चैंपियन बन गई रुवाई प्रीमियर लीग 2020 को जीत लिया नियांश वॉरियर्स ने। हर्षोल्लास का माहौल बीच मैदान में। महज 9 रनों से उन्होंने फाइनल मैच जीता है और चैंपियन बनी है नियांश वॉरियर्स टीम। इस मैच के मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 84 रनों की नाबाद और अद्भुत पारी खेली अपने टीम के लिए, हितेश भाई, नियांश वॉरियर्स के हितेश भाई फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच।
मैन ऑफ द मैच हितेश भाई को दिया जा रहा है। 84 रन की बहुत ही सुंदर पारी। बक्सर थ्रेड धीरज भाई जरा आगे आए। धीरज भाई अरे स्टैंड दे दो मैं इसका हम इंतजार कर रहे थे। मनोज भाई कॉइन कॉइन और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन तो हितेश भाई ने बनाया है लेकिन 165 रन जी जिन्होंने पारी खेली है उमंग और तीन विकेट भी उन्होंने लिया है इसलिए मैन ऑफ द सीरीज उमंग जैन। उमंग जैन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने। अभी बैट्समैन इस टूर्नामेंट का हितेश भाई गांधी 188 रन बनाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में 188 रन हितेश भाई गांधी और बेस्ट बॉलर संकेत जैन बेस्ट बॉलर 5 विकेट लिए उन्होंने पूरी टूर्नामेंट में। बाबा जी राइडर से है वो 5 विकेट लिए बहुत ही बढ़िया सेशन रहा ये आरपीएल 5 का। परेश भाई इस टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया है हर साल मॉन्टेक्स फेव इंडिया और पक्षाल थ्रेड्स वो हमें सहयोग करते ही करते हैं उनके भी हम खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। पंच पर मौजूद भी है वो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपसे ऐसा ही सहयोग हमें बार बार मिलता रहे यही उम्मीद के साथ आरपीएल कमेटी 2000 उनका आभार व्यक्त करती है। कमिटी सेकंड रनर अप जैकवीर रेंजर्स आई और अपनी ट्रॉफी लीजिए। सेकंड रनर अप जैकवीर रेंजर सेकंड रनर अप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में जैकवीर का। खूब खूब धन्यवाद खूब खूब अभिनंदन जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हमें सहयोग प्राप्त किया दिया है ऐसे हमारे मॉन्टेक्स फैब इंडिया और पक्षाल थ्रेड्स दोनों ने ही हमें बहुत हर बार हमें सहयोग करते आए हैं
आगे भी हम उनसे यही आशा रखता है उसके साथ में। और विनर टीम नियांश वॉरियर्स से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आगे आइए और अपनी ट्रॉफी ग्रहण कीजिए। आरपीएल सीजन 5 2020 का ये विनर टीम नियांश वॉरियर्स। जिन्होंने भी इस आरपीएल सीजन 5 में हमें सहयोग प्रदान किया है, आरपीएल कमेटी 2020, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार व्यक्त करती है। ऐसा ही सहयोग हर साल आपसे बना रही है ये उम्मीद के साथ। बीती शाम ढलने आई है और इसी के बीच यहां पर समापन हो रहा है आरपीएल सीजन 5 का। जिन्होंने भी सहयोग दिया है आगे भी आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं ताकि बेहतर से बेहतर आरपीएल का आयोजन हो सके। यही उम्मीद के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय महाराष्ट्र।